हेलो ने नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने YouTube वीडियोज के लिए कॉपीराइट इमेज कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि कोई भी इमेज उठाकर अपने वीडियोज या थंबनेल में लगा लेते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कि ये कॉपीराइट फ्री है या नहीं। दोस्तों बहुत सारे इमेजेस स्टैंडर्ड लाइसेंस के भी होते हैं जो आपको स्ट्राइक भी दे सकते हैं और मात्र एक फोटो की वजह से आपका चैनल खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप अपने YouTube वीडियोज या थंबनेल्स के लिए कॉपीराइट फ्री इमेज कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मान लीजिए कि हमें ताजमहल का फोटो चाहिए, तो यहाँ हम सर्च कर लेंगे ताजमहल। ठीक है, अब हम इमेजेस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये थ्री डॉट वाले निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेंगे। अब जो हमारे सामने है वो बहुत सारे इमेजेस है, हम इसमें पहचान नहीं सकते हैं कि कौन कॉपीराइट फ्री है और कौन कॉपीराइट फ्री नहीं है। तो उसके लिए हमें बस एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। तो हमें यहाँ टूल पे क्लिक करना होगा और यहाँ दिख रहा होगा यूज राइट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा लेबलेट फॉर यूज विथ मॉडिफिकेशन, दो नंबर वाला, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जो हमारे सामने इमेज है वो सभी कॉपीराइट फ्री इमेज है। अब हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।